नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। राजस्थान में जैविक उत्पादों पर मिलेगी 20% अधिक MSP, केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। इलेक्ट्रिक वाहनों को आग से बचाने के लिए सरकार का कदम, अब नए नियमों के तहत तैयार होंगे बैटरी पैक। मरीजों को राहत देने की तैयारी में सरकार, घट सकते हैं कैंसर डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों की दवाओं के दाम। आतंक हो सकते हैं कोविड-19 के भविष्य में नए वेरियंट्स, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर WHO की चेतावनी। कई मंत्रियों पर गिरने वाली है गाज, कामकाज से संतुष्ट नहीं PM मोदी, जल्द ही कैबिनेट विस्तार। राजस्थान में 7 लाख से अधिक पशुओं का सर्वे, करीब 54,000 पशु लंपी स्किन रोग से पीड़ित। आधार नहीं जमा करने पर वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा नाम, चुनाव आयोग ने अफवाहों पर दी सफाई। JP नड्डा बोले, PM मोदी के 50 साल के सार्वजनिक और 20 साल के प्रशासनिक जीवन में उनको नहीं छू पाया भ्रष्टाचार। खुशखबरी, यूपी के सभी जिलों में मरीजों को मिलेगी मुफ्त डायलिसिस की सुविधा, निजी अस्पतालों में इलाज से मिलेगी निजात। महंगाई बेरोजगारी छू रही आसमान, CBI ED खेल रही मोदी सरकार, मनीष सिसोदिया के मामले में CM केजरीवाल का हमला। पोर्टल से मदरसों और इमामों पर नजर रखेगी असम सरकार, रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। दुर्गा पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान देगी ममता, बिजली चार्ज में 60% की छूट। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर CM शिवराज एक्शन में, कैबिनेट की बैठक स्थगित कर हेलीकॉप्टर से खुद ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ कृषि ड्रोन का इस्तेमाल, मक्के की फसल में कीटनाशक का किया जाएगा छिड़काव। हिमाचल प्रदेश, JP नड्डा ने की चुनावी तैयारियों की समीक्षा, बोले चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य। CM जयराम ठाकुर ने की नीति आयोग से मंडी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए विशेष सहायता की अपील, केंद्र से मांगे 1,000 करोड़। राइफल से लेकर ब्रह्मोस से मिसाइल तक, सब कुछ यहीं बनेगा, मजबूत होगा भारत का डिफेंस कॉरिडोर। कांग्रेस अध्यक्ष पद से गहलोत का किनारा, सोनिया गांधी से मुलाकात कर बोले बेवजह चला दिया मेरा नाम। और मुखर हुआ मोदी सरकार का सामाजिक न्याय का चेहरा, केंद्रीय कैबिनेट में 60% सदस्य SC ST और OBC के। मिली बड़ी राहत, वित्त मंत्रालय ने कहा UPI पेमेंट पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं। कर्नाटक में शुरू होगी गौशालाओं से गाय गोद लेने की योजना, CM बोम्मई जल्द ही करेंगे शुरुआत। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने का लिया फैसला, छात्रों का बस्ता होगा हल्का। UP में नौकरशाही पर बड़े बदलाव की तैयारी में है योगी सरकार, साइडलाइन होंगे विवादित अफसर, तैयार होगी अफसरों की लिस्ट। गंगा में बहाया जा रहा है 50% गैर शोधित सीवेज, NGT ने कहा नहीं नजर आ रही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्ति। अब शादी के बाद भी मिलेगा मिस यूनिवर्स बनने का मौका, 2023 से लागू होगा नया नियम। 30 खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन की खरीद से एक कदम दूर भारत, हवा से देगा चीन पाक को झटका। तमिलनाडु में साइबर अपराधी बना रहे हैं बिजली उपभोक्ताओं को निशाना, SMS भेजकर लूट रहे हैं लाखों रुपए। जल्दी महंगे हो सकते हैं मोबाइल फोन, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का दिखेगा असर। शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेंगे 1 करोड़, गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान। पूर्वी लद्दाख में 4 हफ्ते से भड़काने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा ड्रैगन, हाई अलर्ट पर भारतीय वायुसेना, कार्रवाई को तैयार। बेसहारा गायों की पहचान कर तैयार किया जाएगा डेटाबेस, गुजरात में लॉन्च हो चुका है ऐप, उत्तर प्रदेश में भी शुरू करने की योजना। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर पर अजान से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं, रोक लगाने से किया इनकार। तंबाकू और सिगरेट अब पाकिस्तान में होगी महंगी, सरकार ने 36 अरब PKR पर लगाया टैक्स। पाकिस्तान हुआ इतना कंगाल कि अब कर्ज चुकाने को बेचेगा देश की संपत्ति, दिवालिया होने से बचाने के लिए सहबाज सरकार लाई अध्यादेश। योगी सरकार में अब नहीं बक्से जाएंगे नशे के कारोबारी, जब्त होगी संपत्ति, दंगाइयों की तरह लगेंगे पोस्टर। खत्म होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की टेंशन, दिल्ली में बढ़ेंगे स्टेशन।
अब समंदर में होगा शीत युद्ध। रूस ने बनाया सुनामी पैदा करने वाला सबमरीन। टेंशन में अमेरिका, चीन गदगद। मिले कदम जुड़े वतन, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का जारी किया नारा। 2024 के चुनाव की है तैयारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में विमानन हब बनाने की जरूरत, एंकर एयरलाइंस चलाने पर दिया जोर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का दिखने लगा है असर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी। गैर संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू, जल्द ही ESIC के अस्पतालों में मिलेगी इलाज की सुविधा। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को फिर बड़ी सौगात, साल में 2 बार मिलेंगे प्रमोशन के मौके, गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। MSP कमेटी की पहली बैठक में शामिल नहीं हुआ संयुक्त किसान मोर्चा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को पारदर्शी बनाने पर हुई चर्चा। LAC पर भारत तैनात करेगा S-400 मिसाइल सिस्टम, चीन के लड़ाकू विमानों को मिलेगा जवाब। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति, एयरफोर्स से मांगी गई मदद, मध्य प्रदेश में 70 गांवों को कराया गया खाली। अब नीतीश को तेजस्वी ने बताया प्रधानमंत्री चेहरा, कहा विपक्ष की दावेदारी सबसे मजबूत। इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, अगले महीने तक कीमतों में 50 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन ग्रामीण महिलाओं में अभी भी जानकारी की कमी। अन्य भंडारण के लिए उपभोक्ता राज्यों को दे प्राथमिकता, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस गोदाम किए जाएंगे स्थापित। पराली नहीं जलाने वाले किसानों को दिल्ली और पंजाब सरकार देगी पैसा, बस केंद्र की हां का इंतजार। ओमिक्रॉन से संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों में नहीं दिखे थे लक्षण, स्टडी में हुआ खुलासा। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सरकार का जोर, राज्यों के लिए जल्द ही आएगी खास पॉलिसी। झारखंड बीजेपी को झटका देने की तैयारी में हेमंत सोरेन, JMM ने कहा 16 विधायक हमारे संपर्क में, सरकार को मिलेगा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, QR कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। जी हां, यात्रियों के लिए रेल का सफर आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार नई नई सुविधाएं लाती है। ऐसे ही अब यात्रियों को स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट, लोकल टिकट के साथ साथ लंबी यात्राओं के लिए टिकट लेने हेतु लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए वो प्लेटफॉर्म पर लगे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट ले सकेंगे। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए वो अपने UPI का इस्तेमाल कर QR कोड के जरिए भुगतान कर सकते हैं और उन्हें कैश रखने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। दक्षिण रेलवे के यात्रियों के लिए सुविधा पहले से ही लागू है, लेकिन अब उत्तर रेलवे ने भी अपने यात्रियों के लिए स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की है। यात्री पेटीएम, फोन पे, फ्री चार्ज जैसे UPI बेस्ड मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करके अपना टिकट प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लंपी स्किन डिजीज, सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में 30 करोड़ रुपए की दवा और वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। जी हां, लंपी स्किन डिजीज से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में इससे बचाव वाली दवाओं और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। इससे पहले बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत इस रकम को मंजूर किया गया है ताकि गायों में फैली इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इस निर्णय से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन एवं औषधियां आवश्यक मात्रा में तथा कम समय में खरीदी जा सकेगी। उधर इस बीमारी से प्रभावित हरियाणा में भी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, इलेक्ट्रिक वाहनों को आग से बचाने के लिए सरकार का कदम, अब नए नियमों के तहत तैयार होंगे बैटरी पैक। जी हां, इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगी आग के बाद सरकार ने बीते महीने EV वाहन बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में सरकार ने आग लगने के कारण को पूछने के साथ साथ एक कमेटी का भी गठन किया था। इस कमेटी का काम आग लगने के कारण को जानना था। अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को नए स्टैंडर्ड्स जारी करने वाली है। अब कंपनियों को इन्हीं स्टैंडर्ड्स के आधार पर वाहन बनाने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट को इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े स्टेक होल्डर्स और कंसल्टेंट्स को भेज दिया गया है। ये ड्राफ्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कमेटी के लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों में लग रही आग के कारण को जानने के लिए तैयार किया गया था। कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि बैटरी बनाने को लेकर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स कंपनियों को जरूर फॉलो करने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, अगले महीने तक कीमतों में 55 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। जी हां, घर चला
चलाने के साथ साथ अब घर बनाना भी महंगा होता जा रहा है। दरअसल सीमेंट कंपनी इंडिया सीमेंट ने सीमेंट की कीमतों को बढ़ाने का आज ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से घर बनाने की लागत और बढ़ने जा रही है। कंपनी कीमतों में बढ़त धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से करेगी और कुल मिलाकर कीमतों में 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के मुताबिक बढ़ती लागत से निपटने के लिए वो कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इंडिया सीमेंट ने कहा है कि वह प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 1 सितंबर को 20 रुपए, 15 सितंबर को 15 रुपए और 1 अक्टूबर को 20 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं, यानी 1 अक्टूबर तक कुल 55 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी से कंपनी की लागत निकलेगी और इससे कंपनी का बही खाता बेहतर दिखेगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।